तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को। तो चलो मैच करो अपने आंसर कि आपने कितना राइट किया कितना रॉन्ग दोनों मीडियम में, ठीक है। खंड का क्वेश्चन 1, फर्स्ट का फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन राइट है, संघवाद। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? तो मल्च बनाना, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है सेकंड में। अगला थर्ड क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो बी ऑप्शन 12, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 1 2 3 4 लाइन से, ठीक है। आगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे? तो यहाँ पर था डी ऑप्शन, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर पर अविश्वास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में 75 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है? तो ए ऑप्शन है, केंद्र सरकार के पास, ठीक है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। आगे देखो इंग्लिश में, इंग्लिश में भी सेम, फर्स्ट में ए ऑप्शन, सेकंड में सी ऑप्शन, थर्ड में बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में फोर में आपका डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन है। उसके बाद में फाइव में, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए ऑप्शन है, ठीक है, 6 में आपका ए ऑप्शन है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, मांझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन, विष्णु भट्ट गोडसे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ये तीनों हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए? तो बी ऑप्शन, रंगून जेल, ठीक है। आगे क्वेश्चन 10, मनोज एक 12 वर्षीय लड़का है, वह एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में कार्यरत है, बताइए मनोज के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? तो ब्राज़ील है, सी ऑप्शन है। उसके बाद में आगे देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे स्थापित की गई थी? तो ए ऑप्शन, हुगली, ठीक है। उसके बाद में आगे, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को ए ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध था? टीपू सुल्तान, ठीक है, बी ऑप्शन। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो इंग्लिश में भी 7 में बी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बी ऑप्शन। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन, ठीक है। और 13, क्वेश्चन नंबर 13 ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बी ऑप्शन। आगे यहाँ पर कह रहा है कि
नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन है, संकल्पना सा और दूसरा कारण का। ए बी सी डी में आंसर देना है, ध्यान से देखो। तो सा क्या कह रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक देश वही होता है जहाँ पर संविधान हो, चुनाव हो, ये सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। सरकार बदले, लोकतांत्रिक देश होगा जैसे भारत, ये बात सही है। उसके बाद में कह रहा है कि भारत का अपना संविधान है, ये भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, और संविधान वहीं पर होगा जहाँ लोकतंत्र होगा, ठीक है। ये दोनों लाइनें जो हैं, सा कारण जो है, कह रहा है कि संकल्पना सा कारण का, दोनों सही भी हैं और कारण संकल्पना की सही व्याख्या भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन लेना है, समझ गए, ए लगेगा इसमें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, आपको यहाँ पर ए ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है ना। इसमें तो टोटल इतना ही शेयर कर रहा हूँ, बाकी का सॉल्यूशन शाम को डायरेक्ट ऑप्शन आंसर की मैं दिखा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।